श्रद्धांजलि सभा। खबर आज, प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में प्रदेश सचिव विजय बहादुर यादव एवं विधानसभा अध्यक्ष कमलेश यादव उर्फ भानु के अध्यक्षता में पार्टी के संस्थापक संरक्षक देश के पूर्व रक्षा मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री धरतीपुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के स्मृति में एक सर्वदलीय श्रद्धांजलि सभा का आयोजन शुक्रवार शाम में जखनिया विधानसभा के बहरियाबाद में किया गया। इस मौके पर प्रदेश सचिव विजय बहादुर यादव ने कहा, धरती के सबसे महान नेता धरतीपुत्र कहे जाने वाले समाजवादी के संस्थापक पूर्व रक्षा मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जिन्हें हम लोगों ने आज खो दिया है, जिन्हें आज बहरियाबाद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव एक बहुत बड़े नेता थे, एक बहुत बड़े समाजवादी विचारक थे। ऐसा नेता कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ जिनका न कोई विशेषण न कोई संज्ञा दी जा सकती है। वैसा नेता हम लोग खोए हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में एक प्रेरणा देकर गए हैं, जिसकी वजह दल भी चलेगा, पार्टी भी चलेगा, उनकी विचारधाराओं को पढ़ करके आगे बढ़ाएंगे। और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस पार्टी का कारवां आगे बढ़ता रहेगा और उनके विचारों को समाज में फैलाते रहेंगे। इस संबंध में पूर्व प्रधान निसार अहमद ने कहा कि आज समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में श्रद्धांजलि सभा की जा रही है। उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के प्रश्नों पर चलकर समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, तभी हम लोगों की असली श्रद्धांजलि होगी और यही हम लोग का संकल्प रहेगा। इस श्रद्धांजलि सभा के मौके पर मुख्य अतिथि विजय बहादुर यादव, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी भानु यादव, विधानसभा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, ब्लॉक अध्यक्ष सादात रामकिशन सोनकर, जिला पंचायत सदस्य सादात डॉक्टर संजय कनौजिया, वरिष्ठ नेता निसार अहमद, लालजी राम, डॉक्टर आर के मौर्या साहब यादव, विपिन गौतम, घुरभारी यादव, रामकेश यादव, शंभू नेता रामजी, कैलाश यादव, ब्रजेश यादव, मनीष यादव, श्यामदेव प्रजापति एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज मुलायम सिंह यादव का श्रद्धांजलि सभा किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे महान नेता, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व रक्षा मंत्री, आज ये बहरियाबाद श्रद्धांजलि देने के लिए सब इकट्ठे हुए हैं। एक महान नेता हमने खोए, एक जननायक हमने खोए हैं, उनकी कृतियों को हम लोग बता रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं पार्टी के एक दिग्गज नेता रहे हैं, आड़ रहे हैं पार्टी का। पार्टी के ही दिग्गज नेता नहीं थे, इनके संस्थापक थे, तो क्या इनके न रहने से क्या पार्टी में कुछ कमजोरी आएगी? पार्टी में कमजोरी, इनकी क्षति तो कोई पूरा नहीं कर पाएगा, ये अपूर्णी क्षति हुई हम लोगों की। लेकिन इसको पार्टी से जोड़ के न देखा जाए, ये बहुत बड़े महान नेता, बहुत बड़े समाजवादी विचारक, बहुत बड़े विशाल नेता धरती पर पैदा नहीं, इनका कोई न विश्लेषण न कोई संज्ञा दी जा सके। वो एक नेता हम लोग खोए और इनकी न रहने पर दल भी चलेगा, पार्टी भी चलेगी। इनके सिद्धांतों को, इनके विचारों को पढ़ करके हम लोग आगे बढ़ाएंगे पार्टी, समाजवादी पार्टी को। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की कारवा आगे बढ़ता रहेगा, इनके विचारों को समाज में फैलाते रहेगी, पार्टी को आगे बढ़ाएगा। सभा किया जा रहा है, क्या कहेंगे इसके लेकर आप? आज समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे प्रदेश में आज श्रद्धांजलि सभा की जा रही है। उनके कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया। पार्टी के माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? मुलायम सिंह एक व्यक्तित्व, बहुत बड़े व्यक्तित्व के धनी थे। इनकी जो क्षति हुई है ये पूरी क्षति है, लेकिन अभी हमारे मित्र ने कहा है कि इनके पदचिन्हों पर चल करके हम लोग समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, तभी हम लोगों की असली श्रद्धांजलि होगी। यही हमारा संकल्प, और पूरे कार्यकर्ता, पूरे दल के लोग यही संकल्प ले रहे हैं।